नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, आज बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट थे, कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, कहां किस रेजिस्टेंस से डाउनफॉल आया, किस सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ, उन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे, विद लॉजिक चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने ट्रेड भी डिसाइड यहां पर करेंगे कि हमने जो भी ट्रेड लिए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो को। देखिए, जैसा कल मैंने यहां पर आपको क्लियर बताया था कि ये जो एक सपोर्ट था, सपोर्ट से जहां से बाउंस बैक हुआ था, बाउंस बैक के बाद देखिए जो कल की हमारी कैंडल थी वो पूरी एक हरी भरी कैंडल थी। और मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बताया था, जो शाम कल की बात कर रहा हूं, जो 2 बजे के बाद जो यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था 2:30 बजे के बाद, तो देखिए वो एक हमारे पास साइन था कि मतलब हम यहां पर ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। बाकी सारी लॉजिक मैंने कल आप लोगों को यहां पर बता दी थी। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आज का जो हाई लगा ये लगा 30,543 का, और जो लो आज लगा वो 30,033 का लगा। तो हम कह सकते हैं कि आज जो है हम 500 पॉइंट्स के बीच में हम घूमते रहे। मीन्स मतलब 30,000 जो है नीचे का जो था लो वो था देखिए 30,033 का, और जो है 30,543 तक हम यहां पर गए। और फाइनली देखिए यहां पर जो क्लोजिंग आई है वो 30,374 की आई है। अब हम यहां पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में और चर्चा करेंगे कि आज जो हमने ट्रेड लिए वो किस बेस पर लिए, कैसे लिए। अब यहां पर देखिए, कल यहां पर देखिए क्लियर कट मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कल शाम के, कल जो है 2:30 बजे मैंने आप लोगों एक चार्ट मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, वहां पर देखिए क्लियर ब्रेकआउट यहां पर हमको मिल गया था। अब मैंने क्या बताया था कि हमने इसके ऊपर जो है हम बुलिश हैं, ठीक है। और दूसरी देखिए मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहां पर बताई थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम यहां पर क्लोज करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने कल आपको वीडियो में बता दिया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज जाके करता तो हम यहां पर जो है सेल साइड को जाने वाले थे, मे बी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। बट देखिए आज जो ओपनिंग ही हुई वो ओपनिंग ही देखिए कितनी जबरदस्त ओपनिंग हुई थी। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखेंगे तो 29,937 के आसपास कल जो क्लोज हुआ था, और जो यहां पर देखिए जो ओपनिंग हुई वो ओपनिंग ही 30,070 के आसपास हुई थी। तो यहां पर एक जबरदस्त ओपनिंग हुई थी। और यहां पर देखिए हमने जो अपना पहला ट्रेड बनाया था, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट की कैंडल में यहां पर लेकर चलूंगा और 2 मिनट की कैंडल में बताऊंगा। जब ये पहला कैंडल यहां पर हैमर बन गया, तो हैमर कैंडल के बाद जस्ट हमने ऊपर यहां पर जो है यहां पर एंट्री ले ली थी। और देखिए इस ट्रेड में हमको एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था पहले ही ट्रेड में। और उसके बाद देखिए दूसरा ट्रेड हमारा जो था वो कुछ इस तरह से था। ये देखिए यहां पर जाके ऊपर एक हर्डल फेस कर रहा था 30,270 के लेवल के आसपास, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए एक असेंडिंग चैनल पैटर्न यहां पर बन रहा था। तो जैसे इस असेंडिंग चैनल पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट आया, तो इसके बाद हमने फिर यहां पर एंट्री ली थी और इस ट्रेड में भी हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। फाइनली देखिए आज हमने 7 ट्रेड लिया और 7 के 7 आज प्रॉफिटेबल रहे थे। चलिए जो आज हुआ वो तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कल क्या करना है उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए अब मैं एक लॉजिक आपको और समझाऊंगा। यहां पर जो है हमने कुछ यहां पर बाइंग के ट्रेड और एग्जीक्यूट किए थे, वो क्यों किए थे। अगर आप देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर हमको एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर हमको मिल गया था। फर्स्ट बॉटम ये था और दूसरा बॉटम ये था। अगर इसी लाइन को हम एक्सटेंड करके हम पीछे की तरफ ले जाए तो यहां पर देखिए एक जो है रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये जो मैंने कल आपको बताया था वीडियो, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर हम यहां से कल निकलते हैं, अगर हम कल के हाई को ब्रेक करते हैं, तो हमारा जो पहला जो है टारगेट होना चाहिए वो 30,300 का होना चाहिए। तो ये 30,300 का एक हर्डल था और फाइनली इस हर्डल को जो इसने ब्रेक कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस था, जो हर्डल था, इसी के आसपास देखिए आके इसने सपोर्ट लिया। यहां पर सपोर्ट लेने के बाउंस बैक हुआ, उसके दूसरी बार जब यहां से सपोर्ट लिया तो इसके बाद देखिए यहां पर एक रेंज जो बन रही थी, देखिए मैं आप लोगों को रेंज दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक रेंज बन रही थी, तो इस रेंज का फाइनली देखिए जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद भी हमने यहां पर ट्रेड लिया। देखिए आज हमने ऑप्शन राइटिंग भी करी, ऑप्शन बाइंग भी करी। जैसा मार्केट में सिनेरियो हम लोग को दिख रहा था हम वैसा ही ट्रेड कर रहे थे। अगर मार्केट का सिनेरियो हमको कुछ ऐसा दिख रहा था, लगे कि मतलब यहां पर कुछ मार्केट जो है साइडवेज हो सकती है, तो वहां पर हमने जो है ऑप्शन राइटिंग भी करी। और जहां पर हमको जैसे कि ये ट्रेड था, मान लीजिए अब इस ट्रेड में हमको यहां पर क्लियर करता कि ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छी मूव मिलने वाली है, सो हमने यहां पर ऑप्शन बाइंग करी। तो देखिए यहां पर कई तरह के सिनेरियो होते हैं, आपको सिनेरियो देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग देखिए बहुत सिंपल चीज है, कोई हवा नहीं है जैसा लोगों ने बता के रखा हुआ है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं तो देखिए यहां पर पैसा कमाना बहुत आसान है। चलिए अब मैं ये सब जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताई है, इन सबको मैं डिलीट करूंगा, और डिलीट करने के बाद आप लोगों को मैं प्रॉपर जो है 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और वहां पर बताऊंगा कि देखिए कल तो शायद 25
दिसंबर है, कल तो छुट्टी है मार्केट में। ओ सॉरी, कल मैं ट्रेड वैसे भी नहीं करने वाला था क्योंकि आज हमने जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया था। देखिए मोस्टली मैं जब जिस दिन मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाता हूँ उसके अगले दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सो हमने परसों भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया था और आज भी मैंने यही सोचा कि आज मैंने एक बड़ा प्रॉफिट बनाया सो कल ट्रेड नहीं करूंगा। बट मेरे को तो अभी का डेट अब ख्याल नहीं था, अभी ख्याल में आया कि कल तो 25 दिसंबर है, सो कल क्रिसमस है, कल तो मार्केट बंद है। तो चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया था, जो जो रेजिस्टेंस लेवल, पहला रेजिस्टेंस लेवल ये था देखिए, और दूसरा आप देखिए जो मार्केट ने उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, 30-300 के लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल के आसपास यहाँ पर जो है गई है। अब हम देखिए इसको हम लेकर चलेंगे और देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा। अब मैं बताऊंगा कि आप लोगों के लिए बाइंग लेवल कौन सा है और सेलिंग लेवल कौन सा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बहुत कुछ लॉजिक आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए अब मैं देखिए यहाँ पर बताता हूँ, अब मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन का फाइनली देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। देखिए इसी के आसपास, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज काफी देर तक सस्टेन किया और फाइनली जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी मूव हमको देखने को मिली है। अब देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को पहले डिलीट करता हूँ क्योंकि देखिए चार्ट साफ होना चाहिए, जब तक चार्ट साफ नहीं होगा तब तक चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी। अब मैं आप लोगों को एक देखिए इस तरह से मैं आपको सपोर्ट में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर रेंज मिल चुकी है एक, ठीक है। जो ऊपर की रेंज है वो रेंज है हमारी 30,550 की और जो नीचे की रेंज है वो मान लीजिए 30,250 के आसपास की मान लीजिए, तो 300 पॉइंट्स की रेंज है। अब ध्यान रखिएगा ये जिस तरह भी ब्रेकआउट होगा 300 पॉइंट्स की तो हमको क्लियर कट जो है मूव मिलने वाली है। तो देखिए अब अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो ऊपर की तरफ निकलने के लिए हमको कई हर्डल हमको यहां पर फेस करने होंगे, बिकॉज देखिए यहां पर जो मार्केट में शार्प फॉलिंग हुई थी तो वो बहुत जबरदस्त यहां पर फॉलिंग हुई थी। अब हमको ऊपर जाने के लिए हमको छोटे छोटे हर्डल भी हमको यहां पर फेस करने पड़ेंगे। सो अब देखिए अगर हम 30,550 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो हम यहां पर 30,750 का लेवल देखेंगे, मींस यहां पर 200 पॉइंट का क्लियर कट मूव देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमको मेन हर्डल मिलने वाला है वो 30,950 के आसपास में हमको मेन हर्डल यहां पर मिलने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 30,950 का जो लेवल था उसको हम पहले भी नहीं क्रॉस कर पाए थे और इस बार देखते हैं हम इसको क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हम जो है बहुत अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देखिए अब मैं यहां पर आपको सिनेरियो बता देता हूं, अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसी रेंज में अगर घूमता है कुछ टाइम तक और कुछ टाइम तक घूमने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो हमने बायर बन जाना है और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे मीन 30,250 का लेवल ब्रेक करे तो हमने यहां पर सेलिंग के लिए जाना है, ठीक है। दूसरा देखिए अब यहां पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए चीजों को ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं अभी। अब यहां पर मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है और यहां पर आपको 30,950 के आसपास मार्केट आपको मिलती है तो ये क्लियर कट एक सेल जोन है, ध्यान रखिएगा 30,950 का लेवल एक क्लियर कट सेल जोन है। यहां पर हमको पहली बार तो हमको यहां पर सेल ही करना है, मे बी दूसरी बार में जाके इसको ब्रेकआउट करे बट पहली बार में हमको यहां पर क्लियर कट सेल ही करना है। अब देखिए यहां पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग मीन अभी 30,374 के आसपास है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 30,250-60 के आसपास तो यहां पर अगर आपको मिलता है तो यहां पर यहां से बाउंस बैक हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं एक सिनेरियो और बता देता हूं आपको, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद जो है ये 30,250 का लेवल ही ब्रेक करता है तो हम देखिए यहां पर जो लेवल देखेंगे वो 30,050 का, 30,050 के 29,890 का और उसके बाद जो हम लेवल यहां पर देखने वाले हैं वो लेवल हमारा होगा 29,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी को बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूव अभी पेंडिंग है, बड़ी मूव यहां पर हो सकती है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनली यहां पर देखिए जो मैंने आपको कल बताया था कि ये देखिए जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है एक्सिस बैंक में, इस ट्रेंड लाइन के पास ही जो है जो गिरावट हुई थी यहां पर आके इसने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद फाइनली देखिए दो दिन से हैमर कैंडल बनाने के बाद देखिए मैंने बताया था कि आपको 595 के ऊपर आपने एंट्री लेनी है, 600 और 610 रुपए आपको टारगेट बताया था तो फाइनली देखिए हमारे यहाँ सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। अब मंडे के लिए क्या करना है, अब मंडे को हम यहाँ पर 612 रुपए के ऊपर एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, टारगेट हमारा 620 और 625 रुपए होगा। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक, तो बंधन बैंक को देखिए अभी यहां पर इसको ये लेवल क्रॉस होने दीजिए, ये लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 415 का लेवल, 415 का लेवल जब एक बार ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाता है तब हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज अगर हमको सेल करना है तो सेल के लिए हम 390 रुपए के नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक, तो HDFC बैंक ने देखिए फाइनली यहां पर सपोर्ट लिया, देखिए ये जो रेंज बन रही थी कंटिन्यू काफी दिनों से, इस
रेंज पर आके देखिए जो गिरावट हुई थी यहाँ पर, उस दिन भी जो कोई खास गिरावट हमको देखने को नहीं मिली थी, और फाइनली देखिए इसके लोअर हैंड पर आके इसने जो है सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ आपको बताया था कि मैंने 1385 रुपए के ऊपर क्लियर कट मैंने आपको यहाँ पर बाइंग बताई थी। अगर 1385 के ऊपर निकलता है तो मैंने यहाँ पर जो टारगेट आपको दिया था वो 1410 का दिया था, तो फाइनली जो यहाँ पर आज जो हाई लगा वो 1404 का लगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई वो 1397 रुपए की आई है, अगर यही क्लोजिंग 1400 रुपए के ऊपर की आई होती तो हम यहाँ पर क्लियर कट बुलिश होते। सो अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर अब 1405 रुपए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है इंट्राडे में, 5 मिनट की कैंडल हो, 10 मिनट की कैंडल हो या 15 मिनट की कैंडल हो, 1405 रुपए के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज करती है 5 मिनट की, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ मत जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक में फाइनली देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है आज, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन से ऊपर थे तो इसको हम देखिए हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के रूप में हम इसको देख सकते हैं, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और ये की ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, तो ये हम जो है इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हम इसको कंसीडर कर रहे थे, और मैंने यहां पर आपको बताया था कि 505 रुपए के ऊपर आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं, टारगेट मैंने आपको यहां पर 510 और 515 का दिया था, तो फाइनली हमारे सारे टारगेट यहां पर अचीव हो गए। अब यहां पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब 515 के ऊपर यहां पर निकलता है इंट्राडे में, तो यहां पर आप 525 रुपए के टारगेट के लिए मंडे के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक देखिए यहां पर इंडसइंड बैंक में मेरे को अभी एक वीकनेस दिखाई दे रही है, अभी मैं इंडसइंड बैंक में बिल्कुल बुलिश नहीं हूं, अगर ये ऊपर की तरफ भी निकलता है तो मैं अभी इसको बाय करने वाला नहीं हूं, क्योंकि यहां पर जब तक ये देखिए इनसाइड कैंडल यहां पर एक्टिव नहीं होता तब तक मैं ऊपर की तरफ अभी बाइंग करने वाला नहीं हूं। एक बार इस लेवल को देखिए 810 का लेवल एक बार जब ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने के बाद यहां से आके फिर यहां पर बाउंस बैक करे तो यहां पर एक बेस्ट सेटअप बनने वाला है। ध्यान रखिएगा 810 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही 810 का लेवल ब्रेक होगा यहां पर एक बहुत जबरदस्त यहां पर बहुत तेज डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और मे बी हम यहां पर देखिए 765 के टारगेट के लिए आ सकते हैं, तो इस पर नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक, तो कोटक बैंक देखिए यहां पर मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं, कोटक बैंक ही मेरे को कोटक बैंक मेरे को स्ट्रांग लग रहा है, अभी मेरे को इसमें कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। और यहां पर देखिए फाइनली जो इसने जो आज का हाई लगाया वो देखिए पिछले जो हाई यहां पर जो लगा हुआ था वो हाई था 1970 के आसपास का, और जो आज का हाई लगा वो 1978 के आसपास का है, मे बी शायद आप मतलब समझ चुके होंगे। अब यहां पर अगर 1970 पे के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आप यहां पर क्लियर कट बाइंग के लिए जा सकते हैं, पोजिशनल जाना चाहते हैं तो पोजिशनल के लिए भी जा सकते हैं 1970 की क्लोजिंग के ऊपर, इंट्राडे में जाना चाहते हैं तो 1970 की क्लोजिंग 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए उस हाई के ऊपर हम वहां पर ट्रेड रख सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक के लिए देखिए मैंने बताया था कि सपोर्ट के आसपास ही इसने एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनाई थी, जैसी कैंडल यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में बनी थी और बैंक निफ्टी में बाउंस बैक किया, तो सेम देखिए अभी यहां पर सेम वही चीज हुई है। अब यहां पर देखिए जो हमारे लिए हर्डल जो हमको निकल के आ रहा है वो 225 की क्लोजिंग के ऊपर, 225 की क्लोजिंग एक बार इस आ जाए उसके बाद जो डे की क्लोजिंग होनी चाहिए 225 के ऊपर, मंडे को इसको क्लोज होने दीजिए उसके बाद हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी देखिए फाइनली यहां पर हैमर कैंडल बनाने के बाद सपोर्ट पर देखिए जो कल की मूव हुई थी एक अच्छी मूव हुई थी, और जो आज का देखिए मैंने यहां पर जो आपको बाइंग के लिए बताया था वो 260 रुपए के ऊपर बाइंग के लिए बताया था, 265 का टारगेट दिया था, तो फाइनली यहां पर 268 का टारगेट यहां पर अचीव हो चुका है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। अब एक बार देखिए यहां पर अगर इंट्राडे में आपने करना है तो 268 रुपए के ऊपर आप जो है यहां पर एंट्री ले सकते हैं 275 रुपए के टारगेट के लिए, 274 रुपए के टारगेट के लिए, बट अगर आप पोजिशनल जाना चाहते हैं तो एक बार इसको 275 रुपए के ऊपर क्लोज होने दीजिए, एक बार 275 रुपए की क्लोजिंग इसकी आ जाएगी तो हम वहां पर पोजीशन लेके ट्रेड बना सकते हैं। देखिए चीजें मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूं, मैं बैंक निफ्टी के मैंने आज पता ही नहीं कितने सारे चार्ट मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूं, अपने सारे व्यू वहां पर देता हूं, मैं मार्केट का करंट सिनेरियो बताता हूं कि इस टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, कहां से डाउनफॉल आ सकता है। एक देखिए मैंने आप लोगों को मैंने बताया था जब आज बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, यहां पर हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, मैंने आपको देखिए बताया था कि शायद मैंने 12 या 1 बजे के आसपास में आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी में जो है एक डाउनफॉल आ सकता है 80 से 100 पॉइंट्स का, तो वो मैंने किस बेस पर बताया था शायद मैं आप लोगों को बताता हूं, उसके पीछे भी एक लॉजिक था, एक देखिए लॉजिक छुपा हुआ था कि मतलब वो नीचे क्यों आ सकता है। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको 2 मिनट के चार्ट में यहां पर लेकर चलूंगा और यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, वो एरिया शायद ये था, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन यहां पर बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन को मे बी देखिए बार बार इसको आके टेस्ट कर रहा था और ये लेवल बार बार वीक हो रहा था, सो मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर बार बार जो है टेस्ट कर रहा है, सो ये नीचे की तरफ आ सकता है, इसलिए देखिए वहां पर देखिए जो मेरे एनालिसिस थी उसके हिसाब से 80 से 100 पॉइंट 75 से 100 पॉइंट मैंने आपको टारगेट दिया था, और फाइनली देखिए एक ही कैंडल में 80 पॉइंट्स का वहां पर जो है टारगेट अपने को अचीव हो गया था। तो उम्मीद करता हूं देखिए जो वीडियो मैं बनाता हूं मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, अगर आप
इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।